ये मूवी मैंने ऑलरेडी देख ली थी कुछ टाइम पहले और इसका रिव्यू करने में मैं लेट हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइफ में या जॉब को लेकर, तब चीज़ें जो हैं अभी ट्रैक पे आने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। खैर, उन सब चीज़ों को साइड में हटाते हैं, बात करते हैं भोला मूवी की। देखो, जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कहानी क्या होने वाली है। हाँ, जब इस मूवी को मैंने देखा तब तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये जो मूवी है वो कैथी, एक जो साउथ मूवी है उसकी रीमेक बनाई गई है, उसी की जो स्टोरी है इसमें रखी गई है, वही सेम स्टोरी इस भोला मूवी में देखने को मिली। हाँ, ट्रेलर में देखने को नहीं पता चल रहा था और उससे पहले मैंने इसको सर्च भी नहीं किया था कि किस मूवी की ये जो है रीमेक बनने वाली है, किसके ऊपर ये आधारित है। इन तमाम चीजों को मैं एक तरीके से समझो मैं साइड में हटाकर इस मूवी को देखने गया था। अब जितनी पर्याप्त जानकारी मुझे आईएमडीबी के ऊपर जाके मैंने चेक किया कि भी इसमें स्टोरी क्या है, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम भोला है, जिसको प्ले किया है अजय देवगन जी ने, तो वो 10 साल बाद आजाद होते हैं, मतलब कि जेल से रिहा होते हैं और अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो अपनी बेटी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, यही स्टोरी यहां पर हमें देखने को मिलती है। खैर, इस मूवी को जो डायरेक्ट किया वो अजय देवगन जी ही हैं। इसके अंदर मेन भूमिका में आपको जो नजर आने वाले हैं वो अजय देवगन सर मेन भूमिका में जो आपको नजर आएंगे, इनके साथ साथ तबू जी हैं वो भी आपको नजर आएंगे, संजय मिश्रा जी हैं, उनका रोल इस मूवी में थोड़ा कम रखा गया लेकिन जितना भी रखा गया वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तकरीबन इस मूवी की जो लाइन था वो 2.5 घंटे के आसपास रखी गई है। अब जो मूवी में अच्छा लगा या बुरा लगा उनकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इस मूवी में स्टोरी पे ज्यादा फोकस ना करके एक्शन के ऊपर ही आधारित मूवी रखी गई है, मतलब फुल ऑन स्टार्टिंग होती है इस मूवी की, एक्शन होने इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। मूवी में स्टार्टिंग की ओपनिंग मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी थी, जिस तरीके के वो चेजिंग सीन दिखाया गया था, पुलिस जो है वो एक ट्रक के पीछे लगी हुई है और वो जिस तरीके का चेजिंग सीन था उसने मुझे कोई इतना प्रभावित नहीं किया कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मूवी में धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्शन जो देखने को मिला उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, लेकिन बाद में वो इंटरेस्ट इतना भी नहीं बना रहा था। मतलब एक टाइम पहले, थोड़े कुछ टाइम पहले मैं जब मूवी को देखने गया था उससे कुछ टाइम पहले मैंने जॉन विक चैप्टर 4 देखी थी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस मूवी को इस मूवी से कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा कहना भी गलत है, लेकिन एक होता है ना कि यार वो मूवी देखी हुई है, उस में जिस तरीके के एक्शन हमने देखे हुए हैं वो एक छाप जो है वो दिमाग में चढ़ी हुई थी। अब वहाँ पर कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें रिलेट हो रही थी, यार मैंने इससे अच्छी वो चीज़ देखी है, इसमें वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही, एक ऐसा हो रही थी कि यार इसको और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, इसमें एक्शन को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता, तो वो एक इच्छा अंदर से आ रही थी, लेकिन इतने पसंद नहीं आए उसमें जो इस मूवी में हमें एक्शन देखने को मिले। खैर, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। शायद आप ये मूवी देखने जाएं, अगर अभी थिएटर्स में लगी हुई है तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ जाए, इसके एक्शन पसंद आ जाए। हाँ, मूवी में जो अच्छी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ तो देखो, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एक तो एक पिता और एक बेटी का जो इसमें इमोशनल सीन दिखाया गया है, लास्ट में एंडिंग सीन होता है तो वहाँ के जो इमोशनल सीन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब लिटरली आंखों में से पानी आ गया, मतलब आंसू आ गए थे। एक और जो कैमियो इसके अंदर दिखाया गया अभिषेक बच्चन जी का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिस तरीके की उनकी प्रेजेंस इस मूवी में देखने को मिली है। डेफिनेटली इसमें जो मूवी एंड होती है तो वहाँ लिखा था टू बी कंटिन्यूड, मतलब बाद में भी इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा, तो शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट आए वो तो टाइम ही बताएगा। हाँ, डेफिनेटली मैं देखना चाहूँगा कि उस मूवी में, जैसे यहाँ पर 10 साल बाद आज़ाद होता है भोला, अब वो क्यों गया जेल में वो सब चीज़ें इसमें नहीं दिखाई गई हैं, शायद वो सेकेंड मूवी आएगी उसमें इन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें रखी गई हैं, नहीं बताई गई हैं, शायद अगली मूवी में वो सब चीज़ें दिखाई गई। तीसरी जो चीज़ मुझे इसमें पसंद आई वो संजय मिश्रा जी का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वो जिस तरीके का उनका रोल है, थोड़ा ही टाइम है उनको मतलब स्क्रीन पे दिया गया लेकिन बहुत अच्छा मुझे वो लगा। एक और जो चीज़ है इस मूवी में वो है इसको 3D का जो इम्पैक्ट इसके अंदर रखा गया है, वो देखो यार 3D का तो नाम नाम रख दिया गया है, वो इम्पैक्ट आप मूवी देखोगे आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता कि यार एक्शन मूवी के अंदर आप 3D का इम्पैक्ट ला भी पाओगे, और या कहीं पर भी वो एक तरीके से आपको लगेगा सही है, वो मुझे सही भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा वो 3D का इम्पैक्ट, मैं कहूँगा मुझे अच्छा ही नहीं लगा। ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो देखो यार वन टाइम तो आप इसको कंसिडर कर ही सकते हो, इतना कुछ इसके अंदर कोई ख़राब चीज़ें नहीं है, ठीक ठाक मूवी को रखा गया है, तो मेरी तरफ से देखो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 4.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं कि आपको कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो अगर आपके थिएटर्स में है, मतलब आपके नज़दीकी थिएटर्स में है तो जाकर आप वहाँ देख सकते हैं, और वहाँ नहीं है तो वेट कर लीजिए कुछ टाइम बाद ये जब OTT पे आ जाए तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।